हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, एक तरीके से संडे कमेंट बॉक्स ही है ये, कुछ लोगों के सवाल के जवाब हैं इस वीडियो में। और बहुत सारी चीज़ें जो है इस समय इंस्टाग्राम पर सवाल पूछ रहे हैं आप लोग, तो मुझे लगा कि चलिए जवाब दे देते हैं। एक्चुअली हो वही रहा है कि बहुत टाइम संडे कमेंट बॉक्स नहीं आ पा रहा है, या ये कहिए कि मैं उसके पीछे चिंतित नहीं रहती, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है जो मैं एक संडे कमेंट बॉक्स के लिए परेशान हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं कमेंट बॉक्स में ही दे देती हूँ, तो वो जगह बचती नहीं फिर के नहीं अब ये रह गया, लगभग वहीं देती हूँ जो इंस्टाग्राम के होते हैं, उनको इंस्टाग्राम पर जवाब दे देती हूँ। तो ऐसा आवश्यकता लगती नहीं, पर फिर भी बहुत सारे इस समय कमेंट चले आ रहे हैं, तो उनको कुछ क्लियर कर दूँ। कुछ लोगों ने ज़िद पकड़ रखी है, तो उस ज़िद को मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। एक सबसे ज़्यादा जो है वो कमेंट है वो ये कि दीदी पीतल के बर्तन का कलेक्शन दिखाइए। देखिए, आप दो चार लोग अभी कह रहे हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं इस चैनल में जो पिछले एक साल से इस बात को कह रहे हैं। ये वीडियो इतना आसान नहीं है जितना कहने में लग रहा है कि पीतल के बर्तन का कलेक्शन दिखा दीजिए। ये वीडियो इतना आसान है ही नहीं। जिस दिन मैं ये वीडियो लेके आऊँगी, उस दिन आपको मेरी मेहनत का अंदाज़ा होगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी मेहनत की इस वीडियो को शूट करने में। और ये लगभग जो है वो 3 पार्ट में बन पाएगा, तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। थोड़ा सा समय दें, क्योंकि इस चीज़ में मेहनत लगेगी, मुझे सारी चीज़ें निकालनी होंगी, उन्हें सेट करना होगा, ठीक से बंद करना होगा, फिर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। तो आप परेशान ना हो, समय दें, मैं खुद ये वीडियो बना दूंगी, खुद से मुझने खुद कहा इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप निश्चिंत रहे, बस मुझे थोड़ा सा समय दें, क्योंकि इस वीडियो में मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी जो कि मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। जब आपके जीजा जी थोड़ा सा फ्री होंगे तभी मैं इस वीडियो को बना पाऊंगी और आप लोगों के साथ दिखा पाऊंगी, क्योंकि जिस दिन ये वीडियो बनेगा उस दिन 5 से 6 घंटे आराम से लग जाएंगे। इस बात को मैं बेहद अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो ये तो पहला है, और आप दो चार लोग जो अभी अभी इस बात को उठा रहे हैं, बात बहुत पहले, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं, एक बच्चा है उसका कमेंट अभी भी आता है, आपको दिखाऊंगी, कभी इंस्टा पे शेयर कर दूंगी, देख लीजिएगा। वो बच्चा पिछले एक साल से कह रहा है दीदी वीडियो शेयर कर दीजिए, लेकिन क्या करूँ, समय नहीं मिल पा रहा। अब मैं करना क्या चाह रही हूँ कि दिवाली पे मैं मोस्टली जो है वो ज़्यादा बर्तन पीतल के निकाल लेती हूँ, तो जब मैं दिवाली पे निकालूंगी तो क्या करूँगी, उन बर्तनों को वापस रखूंगी नहीं, आधे बर्तन और निकाल लूंगी। तो दिवाली के बाद मैं इस वीडियो को जो है वो शूट कर लूंगी और इस वीडियो को जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो आ जाएगा, वो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं वो वीडियो आपको दे दूंगी। सभी पीतल के बर्तन का कलेक्शन, चम्मच से लेके भगोने तक का सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पेशेंस रखिए, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मैं देख रही हूँ कि आप लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा सा धैर्य की कमी है, मुझे भी समय दें थोड़ा सा, मैं भी इंसान हूँ, तो थोड़ा सा समय दीजिए, ये वीडियो मैं खुद पब्लिश कर दूंगी, आप निश्चिंत रहें। नेक्स्ट कमेंट कि दीदी लड्डू गोपाल की अलमारी दिखा दीजिए। सेम समस्या उनकी अलमारी के साथ है, ऐसा नहीं है कि मैं ट्राईपॉड लेके बैठ जाऊंगी और हाथ के हाथ आपको चीज़ें दिखा दूंगी, ना ही तो आपको समझ में आएगा और ना ही मुझे समझ में आएगा। इस चैनल पर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं करती, आपसे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलती, किसी भी प्रकार की लोलो चोचो का काम तो मेरे पास है ही नहीं। तो जब मैं कोई चीज़ बनाऊंगी तो प्रॉपरली आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस समय आपके जीजा जी थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं, वो फ्री हो जाए, ये सब काम थोड़े से मेहनत के काम हैं, तो मैं आराम से जो है वो इन वीडियो को आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग पेशेंस रखेंगे तो मैं अच्छे से इस वीडियो को शेयर करूंगी और आपके साथ अच्छे से दिखा पाऊंगी। नहीं पेशेंस रखेंगे तो बस मैं ऐसे ट्राइपॉड पकड़ूंगी, कैमरा पकड़ूंगी, एक लाइन में दिखा दूंगी, देखिए फ्रेंड्स ये लड्डू गोपाल का है सेक्शन, ये राधा कृष्ण जी का, ये इनका, ये इनका, ये इनका, और बस वहीं वीडियो को खत्म कर दूंगी। उससे क्या होगा, नहीं आपको समझ में आएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे मैंने आपको क्या दिखाया, ये तो समझ में आएगा कि अलमारी इसमें सामान रखा हुआ है, इसके आगे आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारे वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि दिवाली के बाद जो है वो अपलोड कर दूं, क्योंकि उस समय क्या होगा, मैं एकदम खाली हो गई रही हूँगी, इस समय मैं खाली नहीं हूँ। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं आपको सच बता रही हूँ, इसलिए आप जो लोग इंस्टा पे ज्वाइन किए हो मुझे वो जानते हैं, मैं हरिद्वार से लौट कर आई, वापस मैं बनारस चली गई, क्योंकि मेरे कुछ ग्रह कमजोर चल रहे थे, मुझे उनका जो है जब चल रहा था हवन करवाना था, ठीक है, तो मैं वापस चली गई। वहाँ से वापस आई, फिर 3 दिन बाद गुरुजी का फोन आया कि ये चीज़ तो आपकी रह गई, मैं फिर बनारस गई। फिर जब मैं बनारस गई तो हस्बैंड बोले क्या, तुम्हारा करवा चौथ आ रहा है, तुम्हें जो देखना हो अभी देख लो, बाद में परेशान होते कुछ मिलता नहीं। तो आप लोग फ्रेंड्स यकीन नहीं करेंगे कि मैं उस समय अपने कपड़े देखकर वहाँ दुकान पर पसंद करके फिनिशिंग के लिए देकर आई थी, और अभी मुझे फिर जाना है, मैं फिर वापस जाऊँगी, मुझे शायद
29 या 30 तारीख में या 1 तारीख में मुझे निकलना पड़े बनारस, फिर से मैं जाऊंगी और 2 घंटे का काम है और फिर मुझे जो है वो काम वापस करके घर आना पड़ेगा। तो इस समय इतनी व्यवस्था चल रही है, यहाँ नवरात्रि का भी बड़ा प्रेशर है, नवरात्रि के ठीक बाद ही इतने त्यौहार लगे हुए हैं दिवाली तक कि फुर्सत मिल नहीं पाएगी। घर की भी साफ़ सफाई है, मैं भी तो महिला हूँ, घर के भी तो काम होते हैं, तो वो सब भी पड़े हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, ये सारी वीडियो आ जाएंगी, मेरा आपसे जो है वादा है और ये मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों की इच्छाओं को पूरा करूँ। बस थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, थोड़ा सा धैर्य आप लोग रखिए, ये वीडियो ज़रूर आ जाएंगी। 1-2 कमेंट आए हुए हैं, मैंने उनको बाद में ब्लॉक कर दिया क्योंकि बहुत गंदी भाषा में लिखा हुआ था। तो किसी का कमेंट ये आया है कि आपने हाथ में मंगलसूत्र पहन रखा है और अपनी संस्कृति को इस तरीके से बदनाम करती हैं, सनम नहीं आती। तो ये देखें, ये मंगलसूत्र नहीं है, मैं कैसे कहूँ, ये देखें आप, ये जो है ना, ये हाय है, गोल्ड की है ये, और ये शूर बने हुए हैं, ये गोल्ड के हैं, और ये चांदी के चंद्रमा है, और ये काले मोती की माला है। ये बच्चों गले में पहने रहते हैं, अगर आपने देखा हो, सभी बच्चे छोटे छोटे अपने गलों में पहने रहते हैं। तो ये मैं बहुत पहले पहनी हुई थी, बाद में मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा तो मैंने इसे जो अपने हाथ से उतार के रख दिया था। फिर कुछ समस्या हुई तो फिर गुरु जी ने बोला कि वो उसको पहनिए और ये, और वो जो मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ से यहाँ तक दर्द शुरू हो गया था हाथ में। कुछ लोगों ये भी कमेंट आए थे, क्या नौटंकी, हाथ में भी दर्द होता है क्या, तो कभी करके देखिएगा, काम तो ज़रूर होता है, क्यों नहीं होता है, मैं कोई मशीन थोड़ी हूँ, इंसान हूँ भाई, मुझे भी दर्द होता है। तो ये वो चीज़ है, ये कोई मंगलसूत्र मैंने नहीं पहना, मैं अपनी संस्कृति के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करती हूँ। मंगलसूत्र आपने कभी देखा हो, ये मेरा गोल्ड का मंगलसूत्र है और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। ये एक्चुअली मुझे चाहिए था ऐसा मंगलसूत्र, तो सादा सा, थोड़ा सोबर सा, तो ये मुझे उन्होंने गिफ्ट किया था। इसे मैं हमेशा अपने गले में धारण करती हूँ, चाहे जो हो जाए मैं इसे नहीं निकालती, क्योंकि मंगलसूत्र निकालने का और पहनने का एक समय होता है, उसी समय पर उतारना चाहिए, उसी समय पर धारण करना चाहिए, और ऐसे ही नहीं धारण कर लिया जाता है तो मंगलसूत्र हो गया, माथे की बिंदी हो गई और सिंदूर हो गया, पैरों के बिछिए हो गए। इन चीज़ों के साथ मैं कभी कोई खिलवाड़ नहीं करती। मैं कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाऊँ, कितना कुछ क्यों ना हो जाऊँ, लेकिन जो मेरी संस्कृति है, अगर मैं उनसे ही अलग हो गई तो फिर क्या फ़ायदा मेरे मॉडर्न होने का, और क्या फ़ायदा जो है किसी चीज़ का। आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरी फुल फ़ोटो देखी है, मैंने अभी 1-2 फ़ोटो शेयर की हुई है इंस्टा पर, आप चेक करिएगा, मैं पैरों में हमेशा 2 बिछिए पहनती हूँ। क्यों पहनती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ 1 बिछिया वो लोग पहनते हैं जिनके पति स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो जब उनका घाट होता है तो जो उनके भाई वगैरह होते हैं वो सिंगल सिंगल बिछिया घाट पर दबा देते हैं। तो महिलाएं 1 बिछिया तब पहनती हैं। मैं शादीशुदा हूँ, मैं 2 बिछिए पहनती हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास 3 बिछिए आते हैं, जो मेरे हस्बैंड मुझे 3-3 बिछिए ला के देते हैं। मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है, मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, मैंने ये वीडियो शूट किया हुआ है क्योंकि कुछ कमेंट आई थी, रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए आप लोग कहेंगे तो पब्लिश करूँगी मैं अपने बिछिए का कलेक्शन। आपको जिस दिन दिखाऊंगी उस दिन आप कहेंगे बाप रे दीदी पूरी दुकान ही लगा रखी है। तो हस्बैंड ला के देते हैं, मैं पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मेरे पति के लिए ज़रूरी है या वो पहनना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है। शादी के बाद, शादी के पहले जो एक महिला के जीवन में परिवर्तन आते हैं वो यही तो आते हैं। आखिर आप बताइए, कोई शादी जो है वो बिछिए, मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर और 7 फेरों के बिना मुण मानी जाती है क्या? हिंदू धर्म की मैं बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ नहीं मानी जाती है। अब सबके अपने अपने चलन है, जैसे आप चर्च में जाइए तो वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगती है, आप गुरुद्वारे में जाइए तो उनका अपना एक परंपरा है, सब ने अपनी अपनी परंपराएं अपना रखी हैं। मेरी ये परंपरा है और मैं इसे नहीं छोड़ती और ना ही छोड़ना चाहती हूँ, और ईश्वर करे ये दिन कभी मेरे जीवन में ना आए, मैं जैसी ही हूँ इस समय वैसी ही जो है स्वर्गवासी हो जाऊँ, मतलब कहने का इन्हीं सब सामग्री के साथ स्वर्गवासी हो जाऊँ, ताकि ये कहने का सुख प्राप्त हो मुझे कि जो है मैं सुहागिन थी और सुहागिन ही चली गई। तो ये जीवन का एक ऐसा मीठा अनुभव होता है जो कि इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो इस बात को समझते हैं। और तो और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी बहुत सारे सब्सक्राइबर विदेशों से, USA से हैं, वो मुझे फ़ोटो भेजते हैं, मैंने देखा है कि मांग में सिंदूर भर के और बिछे बिछे पहन के, उसे कहते हैं कि देखिए है, मेरी एक दीदी वो मुझे बताती है कि दीदी देखो श्रेया, सब लोग बोलते हैं कि ये क्या लगा रखा है माथे पर, ब्लड निकल रहा है क्या ये, तो वो बोलती है कि नहीं ये हमारा सिंदूर है, इसे हम लगाते हैं, तो वो प्राउड फील करते हैं।
स्थिति ये है कि हमने खुद को ही खिचड़ी बना लिया है। मॉडर्न बनने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या नहीं पहन रहे हैं, किस चीज़ को त्याग रहे हैं, किस चीज़ को अपना रहे हैं। मॉडर्न होना गलत बात नहीं है, वो तो आपकी एक ऐसी ज़रूरत है। जैसा देश वैसा भेष, अगर आप उस अनुसार नहीं रहेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। लेकिन अपनी संस्कृति भी महत्वपूर्ण है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिसका ये कमेंट आया था कि आप हाथ में मंगलसूत्र पहन रही हैं, जितनी गंदी भाषा में लिखा था वो कमेंट, के मैं उस स्थिति में नहीं थी कि उस कमेंट को पब्लिकली शेयर करूं, बहुत गंदी गाली लिखी थी। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी गंदी सोच है और गलतफहमी है। मेरे बिछिए, मेरा मंगलसूत्र, मेरा सिंदूर, मेरी बिंदी, ये कभी मुझसे दूर नहीं होता और मैं करना भी नहीं चाहती। ईश्वर ऐसा दिन कभी ना दिखाए मुझे, इतना गंदा दिन मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहती। तो ये एक स्थिति है। बकाया कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ कमेंट आने दीदी अब आपका चैनल बोरिंग होता जा रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो डालिए। तो देखिए, ये पूजा पाठ का चैनल है, कोई दाल चावल सब्जी रोटी का नहीं है कि आज दाल हो गई, कल सब्जी हो गई, चावल हो गया, तो बस अब ये खा रहे तो अच्छा इंटरेस्टिंग है, नहीं है तो नहीं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ की जानकारी मैं यहाँ देती हूँ। जिसके मतलब का जो होता है वो व्यक्ति वो ग्रहण कर लेता है, जिसके मतलब का जो नहीं होता वो छोड़ देता है। सीधी सी सिंपल सिटी सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि हम बोर हो रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप बोर हो रहे हैं तो आपको जो अच्छा लगता है वो देख लीजिए, जो नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दीजिए। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी अब नवरात्रि सीरीज शुरू कर दी, तो जी हाँ, बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ। और आप लोगों को नवरात्रि से जुड़े अगर कोई वीडियो चाहिए, विशेष पर्सनली कुछ स्पेशली वीडियो चाहिए, जो वीडियो अपलोड नहीं है चैनल पर, अगर ऐसे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे इंस्टा पे कमेंट करिएगा। मैं वहाँ पर एक पोस्ट अपलोड कर दूँगी, उस पोस्ट पर जाकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं सभी वीडियो जो है बना दूँगी। हाँ, ये है कि आप पहले कमेंट करेंगे ना तो मैं आसानी हो जाएगी मुझे वो कंटेंट बनाने में, नहीं तो ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने बताया मैंने तुरंत कर दिया, उसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें जो है वो अपलोड हो पाएंगी। तो मैं वो ज़रूर कर दूँगी। आप लोग बताइएगा, जो भी आपके इच्छाएं हैं, कमेंट हैं, मुझे बताइएगा वहाँ पर कि ये वीडियो नवरात्रि से जुड़े दीदी कर दीजिए शेयर, तो मैं कर दूँगी। ज़्यादातर नवरात्रि से जुड़े सभी वीडियो अपलोड हैं, सो आप चेक कर लीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि कोई वीडियो अपलोड नहीं है, कुछ दो चार चीज़ें हैं जो मैंने नई तैयार की हैं, अपने तरीके से उन वीडियो को बनाया है, वो नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो है, मैं बहुत जल्दी उन्हें पब्लिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सवाल थे जो मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, बहुत प्रेशर बना रहे थे, तो मुझे लगा क्यों ना इस संडे कमेंट बॉक्स में इन सब सवालों को सॉर्ट आउट कर दिया जाए। और बड़ी चीज़ क्या है ना कि जब से मैं हरिद्वार गई हूँ, थोड़ा सा तब से व्यस्त हो गई, तो आप लोगों से खुल के बातचीत नहीं हो पा रही मेरी, तो इन्हीं सब चीज़ों में व्यस्त हूँ। फिलहाल अब व्यस्तता धीरे धीरे खत्म हो रही। होता क्या है, जब आप एक गृहिणी होती हैं, एक परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, जब मैं घर से बाहर आई 15 दिन के बाद, तो भतीजे भतीजियाँ थी यहाँ पर, लेकिन ये बताइए बच्चे घर कितना संभाल पाते हैं। 50 प्रकार से घर गंदा हुआ था, तो ये सफाई मार, वो सफाई, ये कपड़े, वो कपड़े, जबकि सब लोग जानते हैं कि मैंने अपने घर में मेड नहीं लगा रखी है, सारे काम मैं खुद से ही करना पसंद करती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है। तो मैं वो मेरे हस्बैंड के कपड़े धोना हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके कपड़े धोने में। ये हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट मुझे बहुत, उनका कोई काम मैं करती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है।